पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नया संसद भवन। राजद के ट्वीट पर मचा विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। नए भवन के इस उद्घाटन के मौके पर संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और हवन और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने संसद भवन में ही शेंगोल स्थापित कर 20 पंडितों से आशीर्वाद लिया। राजद के ट्वीट पर हुआ विवाद। राजद ने नए संसद भवन की ताबूत के साथ तस्वीर ट्वीट की, जिससे विवाद पैदा हो गया है। भाजपा ने कहा कि 2024 में जनता राजद को इसी ताबूत में गाड़ देगी। पंडित नेहरू को सबसे पहले सौंपा गया सेंगोल। सेंगोल को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। नए भवन के इस उद्घाटन के मौके पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। धोती कुर्ता पहने नजर आए पीएम मोदी। पीएम मोदी नए संसद के उद्घाटन के मौके पर धोती कुर्ता पहने हुए नजर आए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नए संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। बिना विपक्ष की उपस्थिति के नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता, सुप्रिया सुले। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना विपक्ष की उपस्थिति के नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ये एक अधूरा कार्यक्रम है। 3 दिन पहले हमें व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेजा गया, वे फोन पर विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर सकते थे। पुराने संसद भवन से हमारी यादें जुड़ी हैं, हम सभी पुराने संसद भवन से प्यार करते हैं, वो भारत की आज़ादी का वास्तविक इतिहास है। लेकिन अब हमें नए संसद भवन में जाना होगा। सभी को एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। हिमालय बौद्ध संस्कृति संघ के अध्यक्ष लामा चोस्फेल जोगपा ने कहा कि नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया गया है। मैंने बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की। सभी को एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए।